अस्सलाम वालेकुम, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का। बॉटम अप पार्सिंग का टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट सेशन में। बॉटम अप पार्सिंग की डेफिनेशन देखी थी आपने कि क्या होती है बॉटम अप पार्सिंग, और उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स की थी उसकी, बॉटम अप पार्सिंग की। सो आज भी हम कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं बॉटम अप पार्सिंग की। बॉटम अप पार्सिंग समराइज करते हैं उसकी डेफिनेशन को। कुछ इस तरह से होती है बॉटम अप पार्सिंग के आप इसमें जो टर्मिनल सिंबल्स हैं, जो स्ट्रिंग है जिसको आपने वैलिडेट करना है, पार्स ट्री बनाना है जिसके लिए, उधर से स्टार्ट करते हैं उसको। टॉप डाउन पार्सिंग में तो इस तरह होता था ना कि आप स्टार्ट सिंबल से पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना या डेरिवेशन करना स्टार्ट करते थे। बॉटम अप पार्सिंग में इस तरह होता है कि आप स्ट्रिंग से, जिस स्ट्रिंग को आपने वैलिडेट करना है, उसको चेक करना शुरू करते हैं और उसको रिड्यूस करते जाते हैं, न्यू से रिप्लेस करते जाते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल्स के साथ। सो टर्मिनल सिंबल्स से स्टार्ट करते हैं और नॉन टर्मिनल सिंबल्स से उसको रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जहाँ जहाँ पर भी रिडक्शन होती है वो पॉसिबल रिडक्शन करते जाते हैं, और फाइनली हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो आपका स्टार्ट सिंबल होना चाहिए ग्रामर का। अगर तो ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आ जाता है तो इट मींस कि आपकी ग्रामर वैलिड है, सॉरी स्ट्रिंग वैलिड है। अगर नहीं तो इट मींस कि आपकी स्ट्रिंग इनवैलिड है। सो एग्जांपल करते हैं बॉटम अप पार्सिंग की, फर्दर एग्जांपल्स। सो ये है एग्जांपल, ग्रामर दी हुई है। अब हम इसमें से एक स्ट्रिंग पिक कर लेंगे और उसके बाद फिर उस स्ट्रिंग को टेस्ट करेंगे। सो इनिशियली स्टैक एम्प्टी है, इनपुट जो है उसके एंड पे नॉन टर्मिनल है, और एक्शन स्टार्ट का है कि इनिशियली जब आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो स्टैक एम्प्टी था, उसमें कुछ नहीं था। अब हमने देखना यह है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने शिफ्ट करना है या रिड्यूस करना है। हमारे पास कुछ भी नहीं है रिड्यूस करने के लिए स्टैक में। सो इट मीन्स कि सबसे पहले आप शिफ्ट करेंगे जो आपका फर्स्ट सिंबल है, इनपुट सिंबल, उसको। सो ये हमने ये जो ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है, इसको स्टैक पे पुश कर दिया। सो शिफ्ट की एक्टिविटी परफॉर्म किया। ये वो स्ट्रिंग है जिसको हमने वैलिडेशन जिसकी चेक करनी है, इसके अकॉर्डिंग भी हमने आगे जो स्टैक में काम है वो करना है। सो नेक्स्ट, अब अगेन ओपनिंग ब्रैकेट जो है वो ग्रामर को अगर देखें तो ग्रामर में कहीं पर भी ओपनिंग ब्रैकेट को रिप्लेस नहीं कर सकते आप कहीं पर भी, खाली ओपनिंग ब्रैकेट कुछ भी नहीं है। सो हम अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी भी शिफ्ट ही करेंगे, यानी ये जो ए है इसको हम स्टैक पे शिफ्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपने देखना है ये ओपनिंग ब्रैकेट और ए यहाँ पे ग्रामर में कहीं पे कुछ ओपनिंग ब्रैकेट के साथ ए है तो नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट के साथ ए नहीं है, लेकिन ये सिंगल स्मॉल ए है, इसको हम कैपिटल एस से रिड्यूस कर सकते हैं। सो हमने रिड्यूस कर दिया, S gets A, so इस A की जगह हमने S कर दिया। अगेन ये S को अगर आप देखें तो ये रिड्यूस होता है L के साथ, so ये S को हमने L से रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ओके, अब ये जो L है इसको अब आपने देखना है, ओपनिंग ब्रैकेट और L तो नहीं कहीं किसी नॉन टर्मिनल से रिड्यूस होते, सो नहीं हो रहे अगर हम ग्रामर को देखें तो। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि अगेन आप ये जो कॉमा है इसको शिफ्ट कर देंगे, सो ये फॉर्म बन रही है कुछ। सो अगर आप देखें एस कॉमा एल कॉमा एस, ये अगर आ जाए हमारे पास तो हम इसको एल से रिड्यूस कर सकते हैं, इस एल से, ठीक है। सो एल कॉमा तो आ गया है, और एल कॉमा के साथ अब हमें नेक्स्ट एस अगर आएगा तो हम करेंगे रिड्यूस। फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता, फिलहाल तो हम इस ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक पे अगेन शिफ्ट कर देंगे। सो शिफ्ट, सो
ओपनिंग ब्रैकेट शिफ्ट हो गई. नेक्स्ट अगेन ये फॉर्मेट कहीं पे भी किसी से भी रिप्लेस नहीं हो सकता ग्रामर में या रिड्यूस नहीं हो सकता. अगेन शिफ्ट करेंगे. सो ये जो ए है इनपुट का ए, इसको हमने स्टैक में शिफ्ट कर दिया. अगेन ए को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं एस के साथ. सो ए एस के साथ रिड्यूस कर दिया. और एस को हम कर सकते हैं एल के साथ. सो हमने एस को एल के साथ कर दिया. ठीक है, अब हमें अगर हम देखें तो हमें इनर ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा ए चाहिए. सो अगेन हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट ही करेंगे, हमारे पास कुछ भी रिड्यूस होने के लिए नहीं है. कॉमा को हम शिफ्ट कर देते हैं ये, और उसके बाद फिर हम अगेन नेक्स्ट ए को भी रिड्यूस ही करेंगे, आई मीन शिफ्ट ही करेंगे. सो ये ए जो है ये भी शिफ्ट हो गया स्टैक पर. ठीक है, अब ए को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एस से. सो ये एस, और एस को एल से रिड्यूस कर सकते हैं. सो एस को अगर आप एल से कर दें रिड्यूस तो एल कॉमा एल हो जाएगा, जिसको हम फिर बाद में हम यहाँ पे कहीं किसी चीज़ से भी रिड्यूस नहीं कर सकेंगे. अगर आप ग्रामर देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर हम यहाँ पे एस को एल से कर देते, रिड्यूस कर देते फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो जाना था एल कॉमा एल. तो यहाँ पे कहीं पे भी एल कॉमा एल नहीं है, ये स्टक हो जाना था प्रोग्राम आपका यहाँ पे आके. सो हम इसको एस को एल से रिड्यूस नहीं कर रहे, हम एल कॉमा एस जो कि ये है ग्रामर में, ये एल से रिड्यूस होता है, हम इसको एल से रिड्यूस कर देते हैं. सो एल कॉमा एस, इस एल कॉमा एस को हमने इस एल से रिड्यूस कर दिया. अगेन शिफ्ट करते हैं इसको, क्लोजिंग ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगी. और इसको हम एस से रिड्यूस कर सकते हैं जो ब्रैकेट्स में एल लगेगी. देखिए एस से रिड्यूस हो गया. तो अब अगेन एल कॉमा एस है, इसको हम एल से रिड्यूस करते हैं, एल से रिड्यूस करते हैं. और अगेन नेक्स्ट हम अब शिफ्ट करेंगे क्योंकि मजीद रिडक्शन तो नहीं हो रही. सो शिफ्ट किया, ये इनपुट ख़त्म हो गई यहाँ से, और स्टैक पे आपके पास ये सिचुएशन है. नेक्स्ट अगेन हमारे पास ग्रामर जो है उसके अकॉर्डिंगली ब्रैकेट्स में जो एल है हम उसको एस से रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो एस से रिड्यूस किया यानी फाइनली आपके पास स्टार्ट सिंबल आ गया. सो स्टार्ट सिंबल आ गया है अब आपके पास. सो इट मीन्स आपकी जो स्ट्रिंग थी वो वैलिड थी. सो ओवरऑल अब क्वेश्चन जो है बॉटम अप पार्सिंग जो हो रही है वो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई. आपने वैलिडेट कर दिया कि आपकी स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग है. सो अगर हम इसे समराइज करें तो अगेन शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग कहते हैं इसको. शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग का मतलब है कि आप इनपुट में से नेक्स्ट पॉसिबल सिंबल जो भी होता है उसको स्टैक पे शिफ्ट करते जाते हैं या पुश करते जाते हैं. और फिर आप देखते हैं कि स्टैक में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं बन गया जिसको आप रिड्यूस कर सकते हो ग्रामर में एरो के लेफ्ट हैंड सिंबल के साथ. अगर तो कर सकते हैं तो हम करते जाते हैं और फाइनली हमें स्टार्ट सिंबल चाहिए होता है. अगर तो स्टार्ट सिंबल आ जाए तो इट मींस आपकी स्ट्रिंग वैलिड होती है, अगर ना आए तो इट मींस आपकी स्ट्रिंग इनवैलिड होती है. ठीक है, क्लियर है. सो लेट्स हैव अनदर एग्जाम्पल. हम नेक्स्ट एग्जाम्पल अब करेंगे. ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बॉटम अप पार्सिंग का वो आपको क्लियर हो गया. अब मैं एक एग्जाम्पल करूँगी जो कि एग्जाम्पल है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की, इफ स्ट्रक्चर. इफ स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से आपने उसको बॉटम अप पार्सिंग उस पर अप्लाई करनी है. तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट की एग्जाम्पल्स करना आप स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो डायग्राम लेट्स सी. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने इफ स्टेटमेंट के लिए. इफ स्टेटमेंट में अगर आपको याद हो टॉप डाउन पार्सिंग जब हमने की थी तो हमने चेक किया था कि इधर द ग्रामर इफ इट इज एम्बिगुअस वी रिमूव्ड इट्स एम्बिगुइटी, वी रिमूव्ड इट्स लेफ्ट रिकर्जन एंड वी डिड
लैब फैक्टरिंग ऑन इट, और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर फिर हमने इस पे टॉप डाउन पार्सिंग अप्लाई की थी या कर सकते थे। बॉटम अप पार्सिंग का केस है, बॉटम अप पार्सिंग के केस में अब हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग। ठीक है, स्टार्ट किया हमने और ओके स्टार्ट किया, ये इनपुट स्ट्रिंग है, हमने इसको चेक करना है इफ़ ए वन देन एस वन एल्स एस टू। ठीक है, इनिशियली अब हम इफ़ को स्टैक पे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि रिड्यूस तो हम कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट अब अगेन इफ़ खाली कन्वर्ट नहीं हो रहा किसी भी चीज़ से, सो हम अगेन शिफ्टिंग करेंगे। आपके पास आपके सामने ग्रामर होनी चाहिए, यहाँ पे स्लाइड में नहीं है लेकिन आई रिमेम्बर द ग्रामर, सो आपके सामने इस वक्त इफ़ की ग्रामर होनी चाहिए। तो अगेन शिफ्ट करेंगे फिर ई वन जो कि आपके पास यहाँ पे था इनपुट स्ट्रिंग में, आपने उसे शिफ्ट कर दिया। अगेन नेक्स्ट है ई वन को आप रिड्यूस कर सकते हैं ई एक्स पी के साथ, अगर आपको याद हो तो ये ग्रामर है ई वन ई टू ई थ्री, सॉरी ये आर नहीं है, इसको ई कर लें ई थ्री, ये आपकी और एंड सो ऑन सारी ई एक्सप्रेशन जो हैं वो सारी इसमें आ जाती हैं। सो ई एक्स पी से हमने उसे रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अगेन अब ई एक्स पी के बाद यहाँ पे हम देन को शिफ्ट करेंगे, अगेन देन किसी से भी यहाँ तक कोई भी रिडक्शन नहीं होती, उसके बाद एस वन जो है उसको हम शिफ्ट करेंगे, और एस वन जिसको आपने शिफ्ट किया उसको आप रिड्यूस करेंगे स्टेटमेंट से एस टी एम टी। सो ग्रामर अगर आपके सामने है इस वक्त तो एस टी एम टी में एस वन एस टू एस थ्री तीनों हैं, और इसके अलावा जितनी भी स्टेटमेंट्स आना चाहें वो सारी आ जाती हैं। सो एस वन को हम रिड्यूस करेंगे एस टी एम टी के साथ। ठीक है, उसके बाद अगेन शिफ्टिंग, एल्स जो है वो स्टैक पे शिफ्ट हो जाएगा, अगेन एस टू जो है वो भी स्टैक पे शिफ्ट हो जाएगा। अभी जो एस टू शिफ्ट हुआ है इस एस टू को आप रिड्यूस कर सकेंगे एस टी एम टी के साथ, क्योंकि एस टी एम टी में मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, सो हमने रिड्यूस कर दिया एस टू को एस टी एम टी के साथ। ठीक है, अब आपके पास ये जो पूरी स्ट्रिंग है जो कि आपके पास स्टैक में आ चुकी है इफ़ ई एक्स पी देन एस टी एम टी एल्स एस टी एम टी, ये आप अगर देखें तो आपकी ये बिल्कुल मेन ग्रामर है, ये इफ स्टेटमेंट से रिड्यूस होती है इससे, ये है, और आप इसको एफ इफ स्टेटमेंट इफ एस टी एम टी से रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमने इसको यहाँ पे तो खैर एस टू को आपने रिड्यूस किया, और उसके बाद हम इस पूरी ग्रामर को एस टी एम टी के साथ एफ एस टी एम टी के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अगेन आपके पास सारी पार्सिंग करने के बाद स्टार्ट सिंबल आ गया है एफ अंडर स्कोर एस टी एम टी का, यानी आपके पास ग्रामर का स्टार्ट सिंबल आ गया शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग करने के बाद। सो इट मीन्स कि ये ग्रामर जो है ये भी वैलिड ग्रामर थी, सॉरी ये स्ट्रिंग जो है वो एक वैलिड स्ट्रिंग थी। सो ये हमने प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का करके देखा। देखिए, आपने नोटिस किया कि आपको एरर वन ग्रामर नहीं चेक करनी पड़ी इसमें, आपने डायरेक्टली उसको सो इस तरह से आपकी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के लिए ग्रामर है वो भी शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के थ्रू पार्स हो जाती है। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। हम नेक्स्ट क्लास में मज़ीद को एग्जांपल करेंगे बॉटम अप पार्सिंग की।